हेलो एंड नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन शास्त्र, आगे की बात एक छोटे से इंट्रो के बाद। फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इस चैप्टर को, इस सिलेबस को आप कहाँ पढ़ सकते हो, तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, किसी भी स्टेट बोर्ड या गवर्नमेंट बोर्ड में आप पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक को हम अलग अलग करके, अलग अलग चार मेथड के हिसाब से इसको देखेंगे कि चार मेथड कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई, एक्स एंड वाई किसी कांस्टेंट नंबर से जुड़े होंगे। क्या होंगे? तो मान लीजिए 3x 4y इक्वल टू समथिंग, यानी मान लेते हैं यहाँ पे 5। ये दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। क्यों? तो ये टू वेरिएबल का हम इक्वेशन सीख रहे हैं। कंपलसरी है, टू वेरिएबल वाला इक्वेशन ही लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं है। मैक्सिमम पावर कहाँ है? तो एक है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पावर क्या होता है? तो पावर ही है, यानी टू, ए स्क्वायर पावर है, करेक्ट। तो जहाँ पे, यानी वेरिएबल पे हमेशा आपको पावर दिया जाता है। वेरिएबल पे पावर यहाँ पे है कितना? तो वन है। इक्वल टू 5, यानी इक्वल के दो साइड, यानी किसी भी चीज़ को इसमें कंपेयर किया जाएगा, अगर वो कंपेयर कर बराबर आ रहा है तो आपका एक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए 2+3 इक्वल टू 5, यानी 2 और 3 को हमने एक कंपेयर किया है किससे? 5 से, और ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू के क्या हैं? बराबर हैं। तो ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं। 3+2 इक्वल टू 5। इक्वेशन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन। दूसरा आप कभी पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे ये पढ़ने के बाद, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एसएससी बोर्ड में दोनों पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है शायद, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो 2x2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 5। तो क्या है? हमने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि ये x पे मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है? तो 2 है। इक्वल टू क्या है? 5। इक्वल टू है इसके लिए ये इक्वेशन है। अगर इक्वल टू नहीं होता या कुछ और होता तो इन इक्वेशन बन जाता। सपोज मान लीजिए अगर ग्रेटर देन या लेस देन है, ग्रेटर देन या लेस देन है, तो ये क्या है? इक्वेशन नहीं है। फिर वो इन इक्वेशन है जो आप चैप्टर 11th या 12th में आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं। बट हम जो ये पढ़ रहे हैं वो 10th का सिलेबस है एसएससी बोर्ड, और वो क्या है आपका? तो इक्वेशन यानी इक्वल टू, यानी जो भी वैल्यू दी गई है वो बराबर होगी किसके? 5 के। या ऐसे समझिए, कोई वैल्यू जो x में आएगा जब हम फाइंड आउट करेंगे, x में जो वैल्यू आएगी आंसर के रूप में, अगर वो वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 5 के बराबर आएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के टोटल चार तरीके हैं: साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्रैमर रूल्स, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और वेरिएबल चेंज। ये भी एक मैथड है। क्या करना है? ये तीनों मैथड लगभग सेम है, बस इसको आपको क्या करना है, x एंड y जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। वेरिएबल चेंजेस इसको भी साइमल्टेनियसली यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। पहले वेरिएबल चेंजेस करने हैं कुछ हम अलग मान के, और साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये दोनों एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू, यानी x की एक वैल्यू आएगी या दोनों इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे तो उसका इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, यानी एक आंसर और दोनों इक्वेशन का काम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है, तो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन लिखने का जनरल फॉर्म है, हम सामान्य रूप से ऐसे ही लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, इसका मतलब क्या है? ए एंड बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं?
अगर ये दोनों एक साथ जीरो हो गए इसका मतलब है कि इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा, यानी इक्वेशन नहीं बनेगा। सपोज अगर ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको सिखाऊं, सपोज मान लीजिए एक ग्राफ है आपका और यहाँ जीरो की वैल्यू है, करेक्ट, ये आपका एक्स और ये आपका वाई है, ये प्लस और ये माइनस, करेक्ट, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस। अब मान लीजिए एक्स है ये वाई है, अगर हमने वाई की वैल्यू या ए की वैल्यू कुछ भी ले लिया, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें जीरो से तो इसकी वैल्यू दोनों को क्या आएगा, जीरो आएगा, करेक्ट। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू हम मान लिया कि एक्स इक्वल टू कुछ आया, यानी मान लीजिए थ्री आया, वाई की वैल्यू भी कुछ आया, यानी मान लीजिए इसका फोर आया। अगर हम दोनों अगर जीरो रहा, ए एंड बी जीरो है, इसका मतलब है कि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो ये भी जीरो आने वाला है, और इसको भी मल्टीप्लाई अगर हम ए से जीरो कर दें तो ये भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इसका मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ये जीरो पे ही ख़त्म हो जाएगा। जब ये जीरो पे ही ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब है कि इक्वेशन क्रिएट ही नहीं हुई। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू कुछ होना चाहिए और वाई इक्वल टू कुछ होना चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए यानी कोई कांस्टेंट नंबर आनी चाहिए, बट ये नहीं आई दोनों, इसका मतलब क्या है, दोनों जीरो जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू दोनों क्या हो गया है, जीरो, और जीरो हो गया तो इक्वेशन हमने क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं, इसलिए ए प्लस बी ये दोनों यानी ए और बी का वैल्यू एक टाइम पे जीरो नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सम को हम सीखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। ध्यान से देख रहे हैं, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 5y इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन हमने लिख लिया है। ये दोनों क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेना है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या करना है, तो टोटल चार स्टेप है और मैंने स्टेप लिख दिया। स्टेप वन, लेट्स अज्यूम करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। उसके बाद है स्टेप 2, वेरिएबल सेम, यानी चेक करना है कि इन दोनों में वेरिएबल जो है वो सेम है क्या, यानी वेरिएबल के जो कॉन्स्टेंट है वो सेम है क्या। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 में देखना है, साइन चेक करना है कि इसमें प्लस माइनस है प्लस दोनों सेम है या दोनों अलग अलग, ये आपको चेक करना है। और स्टेप 4 क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन 1 में है, x प्लस 5y इक्वल टू 4 है। तो हमने तो पहला स्टेप फॉलो कर लिया, यानी लेस अज्यूम कर लिया है क्या, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब देखना है अपना वेरिएबल सेम है क्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y वेरिएबल 2 है, यहाँ पे y वेरिएबल कितना है, 5 है, यानी सेम नहीं है। यहाँ पे 5x है और यहाँ पे ये x है, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी दोनों वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो वो दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम पहला काम करेंगे इनके वेरिएबल को बराबर करना है दोनों में से, यानी x और y दोनों में से, दोनों x एक कोई वेरिएबल ऐसा हो जो सेम हो। सबसे पहले क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए, इसको हम नहीं छुएंगे, ये छोटा है तो इसके हम इसके बराबर करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 में हम करने वाले क्या हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो लिख लेंगे x प्लस 5 y इक्वल टू 4, लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया 5 से, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन का x वेरिएबल इक्वल टू 5 जो 5 है, हम इस x को भी 5 के बराबर बनाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन है, 5x प्लस 5 जा तो 25y इक्वल टू 5 जा 20। अब इक्वेशन का नाम क्या देंगे आप, तो इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 3। इक्वेशन नंबर 1 में अब 5x प्लस 2y प्लस सॉरी इक्वल टू माइनस 3, और दूसरे यानी इक्वेशन नंबर 3 में आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 25 इक्वल टू 20। इसका मतलब है x वेरिएबल यहाँ पर भी और x वेरिएबल का जो कांस्टेंट है दोनों अब सेम हो चुके हैं। अब हम क्या काम करेंगे, साइन चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कुछ बातें लिखेंगे, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो x का
कॉन्स्टेंट एफ आई सेम इस सेकेंड इक्वेशन का जो एक्स है उसके बराबर करना है। तो अब देखेंगे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन आया है 5x 25y इक्वल टू 20। अब करना है क्या है, इक्वेशन वन और इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, काम है लेकिन हम देखेंगे बाद में कब काम आएगा या आएगा कि भी नहीं। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को लेना है और देख पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3। और नेक्स्ट क्या करना है, 5x प्लस 25y इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर वन और यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। याद रहे आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन का जो नंबर है वो इक्वेशन में सेम नहीं होना चाहिए। आपने इक्वेशन टू पहले मान चुके हैं तो इसको इक्वेशन नंबर टू नहीं मान सकते, आप इक्वेशन नंबर आपको थ्री मानना है। अब क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे साइन, क्या चेक करेंगे साइन चेक करेंगे। वो साइन क्या है कि प्लस माइनस है क्या, तो देखिए ध्यान से जो वेरिएबल सेम है उसके दोनों साइन प्लस है, यानी इस इक्वेशन में 5x प्लस में है और इस इक्वेशन में भी 5 जो है वो प्लस में है। तो हम क्या करेंगे इसको सबट्रैक्ट करेंगे, यानी ये दोनों प्लस प्लस में है तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट यानी माइनस करने वाले घटाने वाले हैं। तो क्या करें तो यहाँ पर लिखिए सबट्रैक्ट, क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो इक्वेशन वन में से हम इक्वेशन थ्री को सबट्रैक्ट करने वाले हैं। इक्वेशन वन से क्या करेंगे इक्वेशन थ्री को सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन। हम क्या करेंगे इक्वेशन थ्री को इक्वेशन वन से सबट्रैक्ट करने वाले हैं। सबट्रैक्ट करने से पहले यहाँ पे हम सबट्रैक्शन का माइनस साइन लगाएंगे और इस सबट्रैक्शन के साइन से माइनस के साइन से ये जो प्लस फाइव है वो माइनस में हो जाएगा, ये जो प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस है वो भी माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे प्लस फाइव माइनस फाइव इक्वल टू यानी खत्म हो गए, बचेगा जीरो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, अब जब ये साइन चेंज हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। आपको क्या करना है तो प्लस और माइनस यानी 25 में से क्या 25 में से 2 चला जाएगा तो क्या होगा आपका, तो माइनस 23y। तो कैसे हो गया ये, तो ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अब बड़े वाले का जो साइन है वो माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इक्वल टू माइनस और माइनस ये प्लस होता है और लेकिन माइनस का ही साइन आएगा यानी 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। अब माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, आपको क्या करना है तो यहाँ पे 23 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय वाई से है कौन 23 तो ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इस साइड इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 23 डिवाइड में और यहाँ पे वाई इक्वल टू बचा हुआ है, क्या करेंगे तो देखिए जीरो माइनस से माइनस ख़त्म, अब बचा क्या तो 23 से 23 ख़त्म, यानी क्या बचा है 21 जा 23 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 करेक्ट। इसी 1 यानी y इक्वल टू 1 की जो वैल्यू आई है वो अब तीनों इक्वेशन में 1, 2, 3 अब तीनों इक्वेशन में जो आपको आसान इक्वेशन दिखता है आप उसमें पुट करिए वैल्यू को रखिए और आपकी x की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, यानी x का आंसर आपका क्या होगा निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ये आंसर, तो ध्यान से देखिए हम सबसे छोटा और कौन सी वैल्यू लग रही है तो ये वाली इक्वेशन लग रही है। तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस 5y इक्वल टू 4 आपके पास हो गया, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है तो 1 फाइंड आउट किया है, तो x प्लस 5 y की वैल्यू हमने फाइंड किया 1 तो ये हमने 1 पुट किया और ये 4 5 प्लस x इक्वल टू 4 और ये क्या होगा तो 4 5 यहाँ पे क्या है प्लस में है तो इस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। अब ध्यान से देखिए 4 में से जब 5 चला जाएगा तो -1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपकी x, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है
तो x इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे क्या लिखोगे, तो y इक्वल टू वन पुटिंग इनटू क्या इक्वेशन नंबर टू, इन इक्वेशन नंबर टू, हमने इक्वेशन नंबर टू में क्या किया है, तो y इक्वल टू वन की वैल्यू पुट की है, अरे हमारा आंसर आ गया है। तो आंसर हमारा आया है x की वैल्यू एंड y इक्वल टू क्या है, तो x की वैल्यू हमारा माइनस वन और y इक्वल टू वन। अगर आपको चेक करना है आंसर ये मेरा आया है वो सही है क्या, तो सबसे क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे हम, तो ये दोनों वैल्यू को दोनों जगह रख देंगे, यानी आप यहाँ पे अगर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे देखिए पुट करके दिखाता हूँ, x प्लस फाइव वाई इक्वल टू फोर, और क्या है तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, तो माइनस वन फाइंड आउट किया है, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, तो वन फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे लिखोगे वन और ये फोर, फाइव वन जा फाइव प्लस माइनस वन तो माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा फोर। तो देखिए फाइव में से वन जब चला जाएगा तो क्या बचा, फाइव में से वन चला गया तो क्या बचा फोर और इक्वल टू फोर। तो देखा आपने इक्वल यानी फोर इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, दोनों क्या आया है बराबर आया है, इसका मतलब जो ये आपका आंसर आया है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों में हम सारे सम एक एक करके नए वीडियो में हम सीखते रहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जो सम है आगे करके अलग अलग टाइप्स के जो मेथड है वो भी सीखेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे कि ग्राफ पे हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं यानी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रैमर रूल, उसके बाद वेरिएबल चेंजेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये कैसे किए जाते हैं, कैसे हम करेंगे, ये सब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में। हम हर वीडियो में कम से कम दो से तीन सम लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी बनाया नहीं जा सकता है, अगर बनाया जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, बोरिंग हो जाती है। तो तीन वीडियो या दो वीडियो जैसा भी वीडियो का लेंथ रहेगा कितना हम कवर करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बोर्ड मैं जो कवर कर रहा हूँ वो 10th और 12th का सिलेबस कवर करूँगा क्योंकि बोर्ड आने वाला है, समय तीन चार महीना बचा है, तो उसका भी एक प्रिपरेशन, उसका भी एक टाइम टेबल, सब कैसे हम अच्छे से शेड्यूल कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मार्क्स लाने की, मैथ्स थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है, मैथ्स के साथ साथ आपको लगातार मैथ्स का हर दिन आप कम से कम तीन या चार ज़्यादा नहीं, एक तरीके पर एक मेथड पे आप सॉल्व करिए। जैसे सपोज़ मान लीजिए आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियस मेथड से आप दो चार सम्स करिए, ऐसा नहीं कि एक सम कर लिया दूसरा आप क्रैमर रूल से करोगे, नहीं, आप साइमल्टेनियस तरीके से चार सम करिए, फिर क्रैमर रूल के तरीके से चार पांच सम करिए, और रोज़ तीन चार सम करने की कोशिश करिए रेगुलरली बेसिस पे, जिससे आपको जो उसकी समझ है उस मैथड की जो समझ है वो आपको अच्छे से आ जाएगी, और एक बार आपने मैथड को कैप्चर कर लिया अपने दिमाग में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किसी भी हालत में नहीं होने वाली है। तो आप उसको समझते रहिए और रोज़ कम से कम तीन या चार, बाकी सिलेबस पढ़ना ही है आपको, याद करना है, लेकिन जो मैथ्स का प्रैक्टिस है, एक बार प्रैक्टिस हो गया तो एग्ज़ाम के बाद भी आप भूलने वाले नहीं हो, ये 100% गारंटी है, क्योंकि एक बार मैथ्स आपने सीखना शुरू कर दिया है, मैथ्स को समझना शुरू कर दिया है, तो फिर आपको मैथ्स की जैसा कोई भी स्कोरिंग नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है इसका। हाँ, मैथ्स थोड़ा बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन तब तक ही बोरिंग लगेगा आपको जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आपने समझना शुरू कर दिया फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी मैथ्स में कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये है क्यों। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, यूज क्यों होता है, क्या जरूरी है इसको हमारी लाइफ में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम आपको देखेंगे कि कैसे क्या करने वाले हैं, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपन मेहनत करते रहिए। देखिए ज़िंदगी में अगर सफलता पानी है ना तो मेहनत करिए, किस्मत आजमाने के लिए जुआ खेला जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।